हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और वेरी मस्त हो। और आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम, नमस्कार और छोटों को प्यार। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा कि हम पहुंच चुके हैं लखनऊ, नवाबों के शहर, कच्चू के ससुराल। तो आज का ब्लॉग भी हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, लखनऊ से। और आज का सफर जो है हमारा आगे के लिए है राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए। तो यहाँ से मात्र 135 किलोमीटर है। तो हमने कहा जब लखनऊ तक आए तो भाई अयोध्या भी होकर आते हैं। तो जो जो कल हमारे साथ थे वही है अयोध्या जाने। चलिए आज के ब्लॉग को भी करते हैं स्टार्ट। जय श्री राम। नहा धो के रेडी और कहते अभी बाल भी बनाया, बाल नीचे जाके मैं आता हूँ। यहाँ अभी तो ये हमारा रूम था जिसमें हमने नाइट स्टे करा था मैंने और रिंकू ने। और अब मैं चलता हूँ नीचे को, बाकी लोग भी उठी गए हैं। तो भाई यहाँ भी घर वाला ही माहौल मिल रहा है। ग्रीन टी हमारी सुबह सुबह आपको वहां भी दिखाते हैं और यहाँ भी हमारी ग्रीन टी रेडी है। हेलो, गुड मॉर्निंग। तू नहीं हुआ क्या अभी नहा धोया? नहीं कर यार भी फटाफट बॉडी का। अरे अम्मी जी हेलो गौरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लखनऊ में हैं? क्या कह रही है दीदी? मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं? ये स्माइल। चलो उठो भी बेटा फटाफट, फिर आगे के लिए भी तो निकलना है। और पापा का तो सुबह की ड्यूटी है और पापा सुबह सुबह चले जाते हैं 5:30 बजे। अच्छा, गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, आज हम पहुंचे हैं लखनऊ। चलिए फिर हम भी ग्रीन टी हमारी तैयारी है, ग्रीन टी पीते हैं। हाँ हाँ उठ गए। हाँ ग्रीन टी चल रही है नहा धो के। अच्छा दुकान खोल दी? क्या करो फिर, दारू डाल दो? अभी देखते हैं फिर आप कैसा बनता है प्रोग्राम। तो भाई नाश्ता भी हमारा रेडी है यहाँ पर। और मम्मी ने आज सुबह सुबह ही बना दिए हैं परोठे। मम्मी कह रहा हूँ कद्दू की मम्मी को भाई समझा नहीं कैसे। और नाश्ता वगैरह करते हैं फिर हम लोग कर लेते हैं। हाँ कर रही हो गया बेटा, खाओ फिर। हाँ दीदी गोली खाई तुमने? कहा घर से भी खा गया थे। अच्छा तभी तुम कल उठे? नहीं मेरा तुम तो बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया हुआ। तो फ्रेंड नाश्ता वगैरह भी हो चुका था और सब लोग यहाँ पे रेडी राम जन्मभूमि अयोध्या जाने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो फिर आते हैं। और जिनको भाई अपना गाड़ी निकाल रहे हैं गाड़ी वगैरह निकालो। हो गया, तुम चला रहे हो, तुम चलाओ। आगे एक प्रदूषण जांच केंद्र नहीं मिला, कहीं पर मिला भी तो वहाँ कह रहे थे अवेलेबल नहीं है अभी, तो अभी कोई कुछ कह रहे थे। तो अभी हमने कहा चलिए पहले अयोध्या के लिए जा रहे हैं, तो हमने कहा सुबह सुबह पहले प्रदूषण जांच केंद्र में अपने वाहन का प्रदूषण बनवा लेते हैं। भाई हमारा प्रदूषण भी बन चुका है 1/4/2024 से 31/3/2025 तक के लिए। तो चले फिर चेक करवा लेंगे। कहते हैं तेल भी बने, तेल तो हमने खाली भर गया था और अपना ये भी बन गया प्रदूषण और हवा वगैरह भी सब चेक कर लिए। तो हम निकल गए हैं आगे अयोध्या के लिए राम जन्मभूमि। तो दीदी कैसा लग रहा है आपको राम जन्मभूमि जाना? बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु श्री राम के दर्शन का मौका मिल रहा है। तुम्हें कभी लगा ऐसा कि मैं जाऊंगी अयोध्या? मुझे कभी नहीं लगा था,
सोचा था मैंने जाएंगे मगर अभी इतनी जल्दी चले जाएंगे नहीं सोचा। तो प्रभु के दर्शन के लिए कहते हैं भाई जब भी बुलावा आता है तो प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। आपकी कुछ फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या जाना, श्री राम जी के दर्शन करेंगे। आज टीवी में देखा था बहुत 22 तारीख को बहुत भीड़ थी, आज हम भी देखते हैं कैसा है, कितना अच्छी मूर्त बना रखी है, सब देखेंगे। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो मैंने तो 22 तारीख को ही डन कर लिया था कि भैया जाना है तो जाना है जल्दी से जल्दी, तो लेकिन प्रभु की आज इच्छा हुई है हमें वहाँ पर दर्शन देने की, तो आपको भी दिखाएंगे हम वहाँ पर अयोध्या और प्रभु श्री राम के दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं आगे के लिए। गेट से तो नीचे वाले उसमें रोड में दिख रहा था फिर वो? नहीं नहीं, वहाँ से भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है यहाँ से भी। अच्छा, वो गेट तो बहुत ही बड़ा था, ऐसा लग रहा था इसलिए कहते हैं वहीं से होगा रास्ता। वो था सिटी वाला रास्ता, ये हम थोड़ा सा साइड से आए हुए ना, हाईवे के थ्रू आए हैं, वो सिटी वाला रास्ता। और यहाँ तो गाड़ी वगैरह लगाने की भी जगह नहीं हो रही है, और यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम आपको ले जाएंगे दर्शन कराएंगे। और अब क्योंकि हम नए हैं यहाँ पर तो हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है यहाँ पर, और देखिए गाड़ी कैसे जाम लगा हुआ है वैसे भी, और वो देता बिल्कुल। तो अभी देखते हैं हम लोग भी गाड़ी वगैरह लगाते हैं कहीं पार्किंग के लिए, फिर उसके बाद हमने गाड़ी कर दी है यहाँ पार्क में, और हम यहाँ पे आएंगे ऑटो से। तो और ऑटो वाले कह रहे हैं हम आपको ऊपर रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे छोड़ देंगे, वहाँ से भी आपको भी 300 मीटर करीब पैदल अभी जाना है। तो अभी चलते हैं हम आगे के लिए, चले गए देख लेते हैं फिर वहाँ जाके पता चलेगा। तो चलो भाई आगे बैठ जाता हूँ। अयोध्या पहुँच गए, अयोध्या जय श्री राम। ओके बाय बाय। बस पहुंचने वाले हैं पैदल पैदल, हमें वहां पे से टेम्पो ने जो है रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया था, और वहां से जो है 500 मीटर अंदर वो अभी हम लोग चल देना आए थे, वहां से हमारा टिकट सामने ही है। बाकी हमारे वैसे कह रहे हैं कि यहां पर जो है पर्स मोबाइल और ये सब चीज़ें जो है यहाँ भारी लॉकर में जमा हो जाएंगी। और यहाँ से कहाँ से जाने भाई? टाइम हो चुका है एक बार, पहले से वहाँ पर लोग पहले से बैठे हुए थे, और जैसे वहाँ जाएंगे तो ऐसे में लोग बैठे रहे, और हम भी चलते अंदर को, तो इसलिए हमारा भी नंबर आ गया, हम लोग भी चलते अंदर को। जय जय श्री राम। अब हम यहाँ पर अपने जो है जूते वगैरह रख देते हैं, और बाकी वो लॉकर में मोबाइल वगैरह हमारा यहीं पर जमा होगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद।
दर्शन हो गए क्या ले रहे हो? शाम ले रहे हैं। अच्छा हाँ ले लो ठीक है। कितने का दे रहे हैं? ये कितने का है? फोटो भी ले रहे हो क्या? फोटो बैठे रहो और वहाँ का पता चलता है जो चाबी है वो है कज्जू दीदी के और पर्स में। अब ये लोग इतनी धूप में यहाँ पे गाड़ी के पीछे बैठे हैं, बस कोई फायदा है इन लोगों का इतनी एक घंटे पहले यहाँ आने का? हमें खाली गर्म में बैठा दिया। चाबी उसी में डाली ये आप जानबूझ के बैठा रहा है? नहीं तो बहुत ज्यादा पैदल आ रहे हैं हम लोग। हम तो पैदल आए हो चुके हैं और हम पहुँच गए हैं। गाड़ी की चाबी ले जाना भूल गया था, अभी बताई नहीं थी गौरी, तो अब चलते हैं हम आए को घर की तरफ को वापसी। अभी हम थे अयोध्या हाईवे में और यहीं पर हमें दिखा है कालिका हवेली करके रेस्टोरेंट है और बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो अभी हम भूख भी लगी हुई थी तो बच्चों ने थोड़ा थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह मंगा रखे हैं। तो बाकी हमने कहा कि रोटी और थोड़ा दाल वगैरह खा लेते हैं। अभी हमने तो मंगाए नूडल्स तो नूडल्स से शुरू भी हो गए इनके। दीदी की हालत कुछ ज्यादा वो नहीं हो रही थी, तुम क्या लोगे, क्या हो गया? थकान हो गई कह रही, क्योंकि अयोध्या में चलना बहुत था। मतलब लगा लीजिए आप मंदिर के अंदर अंदर ही हम इतना कम 3 किलोमीटर के करीब राउंडिंग में थे वहाँ चलने। तो दीदी को थकाई भी लग गई थी तो चलिए अभी खाना वाना खाते हैं। इनका खाना वगैरह भी हो ही गया था फिर, और दीदी ने तो खाया भी नहीं और मैंने भी खाना वाना खा लिया। तो चलिए फिर और चलते हैं, सीधे मिलते हैं आप जब घर पहुँच। काम करते करते मेरे को भी थोड़ी झपकी आ गई थी, मैंने पीछे वाली सीट ली थी, मैंने आपको पहले बताया था, और मेरा काम भी कंप्लीट हो चुका था। और भाई साहब यहाँ पहुंचते वक्त आपको अभी रास्ते में दिखाया होगा गौरी ने, यहाँ कभी इतना भयंकर जाम लग गया था, कम से कम 1.5 घंटा हम जाम में फंसे हुए थे। जहाँ हमने घर में पहुंच जाना था 5 बजे और यहाँ बच चुका है 6:30। देखिए आप बाहर की ऐसी लाइट बिल्कुल कहते जल चुकी है सब, ये देखिए इधर इधर अंधेरा हो चुका है। और देखिए कैमरे में तो खैर उजाला आ रहा है लेकिन लाइटें सब जल चुकी है। और वहां तो भाई इतनी धूल थी फिर अभी पूरा हाथ मुंह धोया, सर धो के बिल्कुल क्लीन हुआ है। और अभी देखिए हमारा आय का कहाँ का बन रहा है प्रोग्राम, हम सोच रहे थे थोड़ा लोकल मार्केट में घूम के आते हैं। और अभी वहां से आते आते ही मोमो वगैरह भी ले लिए थे तो लगी पड़ी है क्या हुआ तो ठीक है फिर मोमो वगैरह मैं भी खा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। दीदी तुमने खाया? हाँ खाई अभी।